देश में तीसरी लहर में कोरोना का ब्रेक फेल, पिछले 24 घंटे में सामने आए करीब 1,80,000 नए केस, 146 लोगों की मौत। पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा बढ़े कोरोना मरीज, 44,388 नए केस आए सामने। कोरोना के नए केस के मामले में पश्चिम बंगाल का दूसरा नंबर, 24 घंटे में 24,287 नए केस। नए कोरोना केस के मामले में दिल्ली का तीसरा नंबर, दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 22,751 कोरोना मरीज आए सामने। पिछले 34 घंटे में तमिलनाडु में 12,855 नए कोरोना केस आए सामने। कर्नाटक में बढ़े 12,000 नए कोरोना मरीज। आज से देश में दी जाएगी बूस्टर डोज, हेल्थ और फ्रंटलाइन वर्कर के साथ 60 साल से ज्यादा बुजुर्गों को मिलेगी डोज। बूस्टर डोज के लिए नए सिरे से जरूरी नहीं रजिस्ट्रेशन, सिर्फ स्लॉट बुक करना होगा। स्लॉट बुक नहीं कराने वाले सीधे वैक्सीन सेंटर पर जा पाएंगे। गंभीर बीमारी का सर्टिफिकेट देने की भी जरूरत नहीं। दूसरी डोज के 9 महीने बाद लगेगा बूस्टर डोज। सरकार ने इसको दिया है प्रिकॉशन डोज का नाम। कई राज्यों ने बूस्टर डोज के लिए अलग से बनाए हैं सेंटर, किए गए हैं व्यापक इंतजाम। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच पीएम मोदी ने की समीक्षा बैठक, स्वास्थ्य मंत्री मांडविय और कोरोना टास्क फोर्स प्रमुख के साथ हालात पर की चर्चा। पीएम आवास पर 3 घंटे तक चली समीक्षा बैठक, पीएम मोदी ने कोरोना नियमों का पालन कराने को कहा। पीएम मोदी ने समीक्षा बैठक में वैक्सीनेशन पर खास जोर दिया, कहा मिशन मोड में चलाया जाए वैक्सीनेशन अभियान। कोरोना के खतरे को देखते हुए पीएम मोदी का निर्देश, जिला स्तर पर स्वास्थ्य सेवाएं दुरुस्त की जाए। पीएम मोदी जल्द मुख्यमंत्रियों के साथ करेंगे बैठक, कोरोना संकट से निपटने के उपायों पर करेंगे चर्चा। दिल्ली की 3 जेलों में कोरोना का कहर, जेल के 43 कैदी और कई स्टाफ कोरोना पॉजिटिव, तिहाड़ जेल के 29 कैदियों को कोरोना। दिल्ली में कोरोना से जान गंवाने वालों की संख्या भी बढ़ी, एक दिन में 17 मरीजों की मौत। राजधानी दिल्ली में कोरोना के संक्रमण दर में लगातार हो रहा है इजाफा, 23% से ज्यादा हुई संक्रमण दर। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली के सीएम केजरीवाल का बयान, कहा अभी नहीं लगाएंगे लॉकडाउन। दिल्ली में आज फिर होगी आपदा प्राधिकरण की बैठक, कुछ नई बंदिशों पर हो सकता है विचार। पिछले 24 घंटे में देश में 46,569 कोरोना मरीजों ने जीती बीमारी से जंग, हुए स्वस्थ। मुंबई में एक दिन में कोरोना के 19,474 नए मामले, शनिवार से कुछ केस कम हुए। मुंबई में कोरोना से 7 लोगों की मौत, नई पाबंदियों के बीच कुछ केस घटे। पुणे में भी चिंता बढ़ा रहे हैं कोरोना संक्रमण के बढ़ते आंकड़े, एक दिन में 4,029 नए मामले। महाराष्ट्र में तेजी से कोरोना की चपेट में आ रहे हैं डॉक्टर्स, अब तक 400 से ज्यादा डॉक्टर संक्रमित। सुप्रीम कोर्ट में कोरोना विस्फोट, 7 जज समेत 250 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव। सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल भी कोरोना की चपेट में, खुद को किया होम आइसोलेट। राजधानी कोलकाता में कोरोना से सबसे ज्यादा मामले, 8,712 नए मरीज मिले। बिहार में एक दिन में 5,000 से ज्यादा कोरोना के मामले, एक्टिव केस 17,000 के करीब। धनबाद में सैनिक स्कूल की प्रवेश परीक्षा देने आए 21 बच्चे कोरोना पॉजिटिव, 6ठी और 9वीं क्लास के हैं बच्चे। उत्तर प्रदेश में बढ़ी कोरोना की रफ्तार, 24 घंटे में 7,695 लोग संक्रमित, 4 लोगों की मौत। नोएडा और लखनऊ में कोविड से बेकाबू हुए हालात, गौतम बुद्ध नगर और लखनऊ में 1,100 से ज्यादा नए मामले। गाजियाबाद में भी बढ़ी कोरोना की रफ्तार, 24 घंटे में 922 केस, मेरठ में 715 और वाराणसी में 437 नए केस। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच यूपी में नाइट कर्फ्यू का ऐलान, रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगा नाइट कर्फ्यू। यूपी में 16 जनवरी तक बंद किए गए सभी शैक्षणिक संस्थान, सिर्फ ऑनलाइन क्लास चलेंगे। केरल में भी कोरोना के संक्रमितों की संख्या में उछाल, 6,238 नए मामले। कर्नाटक में कोरोना का कोहराम, 24 घंटे में 12,000 नए केस। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में कोरोना से बिगड़ रहे हैं हालात, एक दिन में 9,000 से अधिक नए मामले। उत्तराखंड में कोरोना के 1,413 नए मामले, 500 से ज्यादा केस राजधानी देहरादून में। जम्मू कश्मीर में बढ़ने लगे कोरोना के मामले, एक दिन में 687 केस, 3 मरीजों की मौत। गुजरात में भी कोरोना संक्रमण के मामलों में उछाल, 24 घंटे में 6,275 मरीज मिले। गुजरात में ओमिक्रॉन वेरिएंट के संक्रमितों की संख्या भी बढ़ी, अब तक 236 केस। राजस्थान में कोरोना के 5,608 केस, कोरोना से एक शख्स की मौत। सीएम गहलोत के आवास में 27 लोग कोरोना पॉजिटिव, 3 दिन पहले कोविड पॉजिटिव हुए थे अशोक गहलोत।
कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच राजस्थान में भी वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान, शनिवार रात 11 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा कर्फ्यू। दिल्ली में पुलिसकर्मियों पर फूटा कोरोना बम, 300 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव। दिल्ली में पुलिसकर्मियों के साथ अफसर को भी हुआ कोरोना, एडिशनल कमिश्नर चिन्मय बिस्वाल भी कोरोना पॉजिटिव। यूपी में बीजेपी आज उम्मीदवारों के नाम पर करेगी मंथन, पहले फेज के चुनाव के लिए प्रत्याशियों के नामों पर होगा विचार। लखनऊ में आज शाम 4 बजे होगी बीजेपी की 24 सदस्यीय चुनाव समिति की बैठक, सीएम योगी, प्रदेश अध्यक्ष और दोनों डिप्टी सीएम रहेंगे मौजूद। लखनऊ में बीजेपी की बैठक में राधा मोहन सिंह, सुनील बंसल, केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान, ब्रजेश पाठक भी करेंगे शिरकत। सहारनपुर से कांग्रेस के तेज तर्रार नेता और राष्ट्रीय सचिव इमरान मसूद छोड़ सकते हैं पार्टी, समाजवादी पार्टी का थामेंगे दामन। अखिलेश जी चुके एक मजबूत नेतृत्व देकर के प्रदेश के अंदर चलने का काम कर रहे हैं, तो उनको समर्थन देने का काम करूंगा। संयुक्त किसान मोर्चा ने किया साफ, आपके साथ कोई गठबंधन नहीं। पीएम मोदी का विश्वनाथ धाम में ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों को तोहफा, भिजवाए जूट से बने जूते। इलाहाबाद हाईकोर्ट का अहम फैसला, आज से सिर्फ वर्चुअल सुनवाई। पीएम की सिक्योरिटी में चूक के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, सॉलिसिटर जनरल फाइल कर सकते हैं रिपोर्ट। पंजाब हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार भी दे सकते हैं रिपोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्रार से चूक से जुड़े दस्तावेज कब्जे में लेने को कहा था। सूत्रों के हवाले से खबर, अभी चूक से जुड़े दस्तावेज हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार को देने का काम जारी। बीजेपी का चन्नी सरकार पर वार, कहा कि इस हैसियत से सीएम चन्नी ने प्रियंका गांधी को चूक से जुड़ी सारी जानकारी दी। फिरोजपुर में पीएम के यात्रा के दौरान रोका गया था रास्ता, आधे रास्ते से लौटे थे पीएम, 150 लोगों पर रिपोर्ट की गई है दर्ज। यूपी के पहले चरण के लिए नाम तय करने का काम तेज, आज लखनऊ में बीजेपी की अहम बैठक, इलेक्शन कमेटी में है 24 सदस्य। अखिलेश यादव की आज चाचा शिवपाल से मुलाकात, संभव सीटों के बंटवारे पर होगी बात। कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की भी आज होगी बैठक, उम्मीदवारों के नाम पर होगा मंथन। समाजवादी पार्टी के चुनाव आयोग को शिकायती चिट्ठी, कुछ अफसरों पर बीजेपी के लिए काम करने का लगाया आरोप, हटाने की उठाई मांग। यूपी के सियासी समर में अब डिजिटल तरीके से होगी प्रचार की जंग, डिजिटल मीडिया कंपनियों की बढ़ी मांग। चुनावी बिगुल के बाद यूपी में तेज हुआ सियासी संग्राम, सीएम योगी का बड़ा बयान, बोले यूपी में इस बार 80% बनाम 20% की लड़ाई। यूपी में सिख वोट बैंक पर टिकी बीजेपी की नजर, गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती पर लखनऊ में गुरुद्वारे पहुंचे सीएम योगी। समाजवादी पार्टी को रास नहीं आ रहा, रैलियों पर पाबंदी का फैसला, अखिलेश यादव ने इस फैसले से बीजेपी को लाभ मिलने की जताई आशंका। कम से कम इलेक्शन कमीशन ये तय करे कि जो नेशनल चैनल्स हैं उन पे रीजनल पार्टीज को भी स्पेस मिले। चुनावी तारीखों का ऐलान होते ही एक्शन में आई मायावती, बोली यूपी की चुनावी जंग जीत कर बीएसपी लाएगी कानून का राज।